हेलो, यहाँ पे जो है हम लोग क्लासिकल आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, या परफेक्ट गैस जो कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मुलेशन है, ये काफी सिंपल तरीके से हम तुमको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो रेफरेंस तुम लोगों को जो इससे पहले पढ़ाया जाता था, या जो एग्जाम के अनुसार जो तुम्हारा आंसर होता है या लिखना होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसको ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इससे अभी जो हम बता रहे हैं इससे तुमको समझने में आसानी होगी, आई थिंक। तो यहाँ पे जो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं जो क्लासिकल गैस के, वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो यहाँ पे जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस और परफेक्ट गैस यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का कंसेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इससे पहले हम लोगों ने स्टेटिस्टिकल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी पढ़ लिया, एस इजिकल टू के एल एन ओमेगा, ये फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा। तो अभी हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारा एस इजिकल टू के एल एन ओमेगा, जो हमारा एंट्रोपी का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, हाउ कंसिस्टेंट इट इज, ये कितना कंसिस्टेंट है इन डिस्क्राइबिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू एंट्रोपी। और यहाँ पे हम लोगों ने इसीलिए पहला सिचुएशन जो लिया है, वी हैव ए क्लासिकल आइडियल गैस। ये जो है ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है। इसका सेंस ये है हाईली स्पेशलाइज्ड कहने का, कि यहाँ पे जो एस बराबर के एल एन ओमेगा, ओमेगा इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो नंबर का इवेल्युएशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हेयर वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड दिस नंबर ओमेगा एन वी ई एंड डिड्यूस डिड्यूस द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे यहाँ पर फ्रॉम दिस नंबर, इस नंबर का सिग्निफिकेंस हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में समझेंगे कि ये कैसे रिलीवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो सिस्टम है तुम्हारा अभी जो बता रहे, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल क्लासिकल सिस्टम्स। क्लासिकल सिस्टम्स क्या है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल क्लासिकल सिस्टम का मतलब है वेयर वी आर नॉट कंसिडरिंग, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम तुमको बता रहे हैं, प्लैंक कांस्टेंट। हम लोग प्लैंक कांस्टेंट या मैटर वेव को कंसिडर नहीं कर रहे, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी नहीं ले रहे। ये क्लासिकल सिस्टम होता है, विच आर कंपोज्ड ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तुम लोग क्वांटम पढ़ रहे हो, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब समझते हो, लेकिन यहाँ पे हम तुमको एकदम सिंपल तरीके से बताते हुए चलेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है। और नॉन इंटी, या इसको अभी हम लोग इनडिस्टिंग्विशेबल रख देते हैं, हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं नॉन इंटरैक्टिंग। डिस्टिंग्विशेबल वर्ब बाद में आएंगे ताकि तुमको समझने में आसानी हो, कंफ्यूज ना हो। नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स मतलब जो आपस में कोई इंटरैक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इट इज नॉट रेलिवेंट, हमको यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर से जो है कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये जो नंबर होता है ओमेगा एन वी ई, व्हिच इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एंड दस टू द इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे पी वी बराबर एन आर टी, इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है,
द नंबर हैज ए डिपेंडेंस ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो तुमको ऑफलाइन में भी बताया जाएगा। या आई थिंक दिस वन इज सफिशियंट। तो अगर यहां पर दोनों सभी जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाएगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये दूसरे पार्टिकल से किसी और रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी से टोटली इंडिपेंडेंट है। कहने का सेंस यहाँ पे ये है, क्योंकि हम लोग नंबर्स के फॉर्म में देख रहे हैं, स्टेटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। द प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है, एक नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पार्टिकल्स। बाकी पार्टिकल किस फेज स्पेस में कहाँ पे पाए जाते हैं, उससे किसी एक पार्टिकल के किसी एक पॉइंट पे पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कहने का सेंस ये है कि जितने नंबर ऑफ तरीके से या जितने नंबर ऑफ वेज से हम n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्पेस में, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वेज इन व्हिच ईच पार्टिकल कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेम स्पेस इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो इंडिपेंडेंस जहां भी आता है वहां पे हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। तुमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ा होगा, एकदम सिंपल तरीके से समझो। सो दिस मीन्स that the number of ways of distributing n particles in the space is the product of the number of ways of in which number of ways in which one particle can be distributed in different regions। ये मतलब होता है नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम का, ये मतलब होता है इंडिपेंडेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड है, एनर्जी फिक्स्ड है, जो कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की प्रॉपर्टी होती है, एनर्जी भी फिक्स होती है, तो ये जो नंबर है दे विल बी प्रोपोर्शनल टू वी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जहां या जिस स्पेस में ये लोग हैं। तो ये प्रिंसिपल अगर हम ले तो जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, जो डिफरेंट वेज है ऑफ अटेनिंग ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट, जो कि माइक्रोस्टेट की डेफिनेशन होती है, this is simply omega is v to the power n, this is the meaning of independence जिसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लासिकल सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है इससे पहले हम लोगों ने कुछ डेरिवेशन यहाँ पे किए थे जो हम लोग जैसे टेम्परेचर था, टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है टेम्परेचर, इट इज द डेल ओमेगा एन वी ई बाई डेल ई। तो यहाँ पे इस तरह के इक्वेशंस जो है हम लोग यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है या जो नंबर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन अटेन द आइडियल गैस इक्वेशन, ये तुम लोग कर सकते हो। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी हमको जो अगर पता करना है तो हमको ये जानना होगा, डिटेल्स में ये जानना होगा हाउ ओमेगा नाउ डिपेंड्स ऑन एन वी ई। अभी तक तो हम लोगों ने देखा ओमेगा एन वी ई का फंक्शन है। टू अंडरस्टैंड द थर्मोडायनामिक्स वी नीड टू स्टडी द डिपेंडेंस
ऑफ ओमेगा, द डिपेंडेंस ऑफ ओमेगा ऑन एन वी एंड ई, एन वी और ई में इसका क्या डिपेंडेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, एनर्जी, इसके ऊपर क्या डिपेंडेंस। तो हमारा जो माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल होता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, होता भी है तो बहुत माइनूट चेंज होता है डेल ई, और ये डेल ई से इंडिपेंडेंट होता है, कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे। एंड दिस डेरिवेशन, सो कॉल्ड तुम्हारा डेरिवेशन या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, इसको हम एकदम सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब मैंने क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, डिस्क्राइब हाउ ओमेगा डिपेंड्स ऑन एनवीई। तो यहाँ पर हमको ये जानना है कि किस तरह से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। इसी क्वेश्चन को कहने का एक और सेंस ये है कि हमारा एक जो मैक्रोस्टेट है जिसमें हमारी टोटल एनर्जी कैपिटल ई है, हाउ दिस कैपिटल ई इज ऑब्टेन्ड, या हम सिंपल तरीके से ये कहें, दिस मीन हाउ द इक्वेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, हाउ द इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड, या इसको ऐसे कहें ज्यादा क्लियर रहेगा, दिस मीन्स इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, मैंने कितने तरीके से हम समेशन करें, ई आर जो है एक एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट है, मैंने ई आर को हम कितने तरीके से जोड़े कि हमारा मैक्रोस्टेट एनर्जी कैपिटल ई मिले, दिस बिकम्स मच इजियर। यहाँ पे ई आर जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इसी कारण से ये जो नंबर है ये एन और ई पर डिपेंड करेगा। ये जो नंबर है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी वेरिएबल्स ई आर कैन एज्यूम, मैंने एनर्जी जो है कि ई आर कितने प्रकार का हो सकता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, स्पिन, वाइब्रेशन, कितने तरीके का हो सकता है। और ये जो हम लोग डिफरेंट, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यू, ई आर डिपेंड्स ऑन एन and E, and it also depends on the type of motion, या हम जिसको degree of motion कहते हैं, degree of freedom कहते हैं, और degree of freedom, translation, rotation, vibration, ये सारे जो है दे आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मोशन, कितने तरीके से ये एनर्जी ई आर बन सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यू, स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यू, कि कितने तरीके से जो है एनर्जी एक्वायर हो सकता है, सारे एनर्जी का सम कैपिटल ई है। हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये वॉल्यूम पर डिपेंडेंस कैसे आ रहा है इसको देखने के लिए। हम लोग एक पार्टिकल इन ए बॉक्स, तुम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जो है एक पार्टिकल इन ए बॉक्स कंसीडर करते हैं। ये बॉक्स जो है ये थ्री डायमेंशनल, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, यू मस्ट नो कि क्या इसके एनर्जी आइगन वैल्यूज होंगे। द एग्जाम्पल वी विल कंसिडर इज द पार्टिकल, एक ही पार्टिकल है, वन पार्टिकल, वन यहाँ पे हम जो नोटेशन देके लिख रहे हैं इसका कारण है, वन पार्टिकल इन ए थ्री डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स, पार्टिकल इन ए बॉक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, द एनर्जी आइगन वैल्यूज, द एनर्जी आइगन वैल्यूज आर, तो ये इसके एनर्जी आइगन वैल्यूज कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये तुम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ा है, आई एम श्योर पार्ट टू में जो है तुम लोगों को पढ़ाया जाता है ये मॉडर्न फिजिक्स में। तो यहाँ पे क्योंकि आइडेंटिकल थ्री डायमेंशनल बॉक्स है, यहाँ पे तीन क्वांटम नंबर्स है, अब समझो यहाँ पे, दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, तुम लोग पढ़ते हो, एम जो है पास मास है पार्टिकल का।
अब यहाँ पे जो हम आइगन फंक्शंस की बात कर रहे हैं, दे आर द माइक्रोस्टेट्स। किसी एक पार्टिकल की एनर्जी अगर स्मॉल ई या एप्साइलन है, उसके डिफरेंट जो माइक्रोस्टेट्स होंगे, दे डिनोट द आइगन फंक्शंस। अब ये जो आइगन फंक्शंस है, कितने तरीके से ये एनर्जी एक्वायर हो सकता है, दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन का सॉल्यूशन? द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और आइगन फंक्शंस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जितने भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे, वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगे। मैंने यहाँ पे देखो nx, ny, nz का स्क्वायर जो है, यहाँ पर इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ये तुम ऊपर वाले इक्वेशन को रीअरेंज करके भी देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ls स्क्वायर है, हमारा बॉक्स क्यूबिकल है, तो इसको जो है v के टर्म्स में यदि हम लिखेंगे तो ये 2/3 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू e स्टार। और ये इक्वेशंस किस प्रकार के होंगे? ये इक्वेशंस जो है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। जितने भी n के लिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलता है, जितने भी एप्साइलन के लिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, उतने सारे माइक्रोस्टेट्स हमको मिलेंगे। इस केस में जो हमारा ओमेगा है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल एक ही है, हमने वन लिखा, इसीलिए हमने यहाँ पर वन जो है वन पार्टिकल ब्रैकेट में लिखा। एन जो है यहाँ वन है, एनर्जी एप्साइलन है, वी वॉल्यूम। ये सॉल्यूशंस लेफ्ट हैंड साइड के कितने सॉल्यूशंस होंगे किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल संख्या तो एक ही है, एप्साइलन पे डिपेंड करता है और वी पे डिपेंड करता है। एम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे जो नंबर है हमारा ओमेगा एन वी ई, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पॉजिटिव सॉल्यूशन, जो हमारे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगे। सो द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, हमको इसी को इवेलुएट करना, माइक्रोस्टेट्स विल बी इक्वल टू द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस के बराबर होंगे, जितने भी माइक्रोस्टेट्स, जितने भी स्टेट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सॉल्यूशन मतलब क्या, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो भी वी और ई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। इसी से हम इवेलुएट कर सकते ओमेगा, ठीक है। तो यहां पे जो है, ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला, राइट, जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने देखा, तो वॉल्यूम और एनर्जी जो है ऑफ द सिस्टम, यहां पे आ गया एक्सप्रेशन, वी आ गया, एनर्जी आ गया, ठीक है, वी टू द पावर 2/3 इंटू ई। सो योर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, अगर तुमसे ये पूछा जाए, शो बाई एन एग्जाम्पल दैट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम एंड एनर्जी, तो तुम ये दिखा सकते, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा एंट्रोपी होता है, हम लोगों ने एंट्रोपी पढ़ा, के एल एन ओमेगा होता है। सो द एंट्रोपी, अभी हम लोग एल एन ओमेगा के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, तो हमारा एंट्रोपी भी, क्योंकि ओमेगा पे डिपेंड करता है, और ओमेगा जो है इट हैज अ डिपेंडेंस ऑन वॉल्यूम एंड एनर्जी, तो हम एंट्रोपी को ऐसे लिख सकते हैं, जो स्टेटिस्टिकल जो थर्मोडायनामिक एंट्रोपी होता है। अब जैसे कोई रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, थर्मोडायनामिक्स पढ़े हो, रिवर्सिबल प्रोसेस वो एडियाबैटिक जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, हीट कांस्टेंट है, इन दैट केस हम लोग ये फॉर ए, तो यहाँ पे जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनामिक रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक
प्रोसेस तो यहां पे फॉर एस एस एंड एन आर कॉन्स्टेंट, क्योंकि दो को हम लोग कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, तो यहां पे हमको एक थर्मोडायनामिक रिजल्ट मिल गया। यही इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे प्रेशर होता है किसी कंटेनर में, अगर कोई गैस भरी है उसका जो प्रेशर निकालते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक से, कैसे निकालते हैं, वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करते हैं। प्रेशर का जो एक्सप्रेशन होता है कुछ इस प्रकार का होता है, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, तुमको पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि ये वाला इक्वेशन डिराइव कीजिए इन स्टेटिस्टिकल टर्म्स, तो यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन, तो तुम इसका आंसर लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स थे नॉन रिलेटिविस्टिक है, इंटरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, द प्रेशर इज 2/3 द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी प्रेशर। ये रिजल्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2/3 ऑफ द एनर्जी डेंसिटी। अगर तुमको याद आ रहा है कहीं और पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो याद करने की कोशिश करो, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल रिजल्ट। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स है, नॉन इंटरैक्टिंग, ठीक है। तो यहां पर हम और भी जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक या किसी और चीज के लिए भी हम लोग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग ओमेगा को जो है इवेलुएट करते एक्सप्लिसिटली, ये तो देख लिया कि एक पर्टिकुलर सिस्टम है हमारा, आइडेंटिकल वो पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर ओमेगा को निकाल रहे, ओमेगा क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, हम लोग यहाँ पर पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल मानते हैं। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब तुम लोग पढ़ते हो उसमें क्वांटम में, यहाँ पे हम बता देते जो सेम सेंस तो एक ही रहता है। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये होता है कि अगर एक पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल एक जगह है, वो एक दूसरे पार्टिकल से अपनी जगह बदलता है, तो ये जो बदलाव के बाद जो कुछ भी हुआ, इट इज अ डिफरेंट स्टेट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, इसी को डिस्टिंग्विशेबल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्टिंग्विशेबिलिटी। टू फाइंड ओमेगा वी कंसिडर दैट द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, विच मीन्स इफ द पार्टिकल आई इंटरचेंजेस विद पार्टिकल ये, देन इट मेक्स ए न्यू स्टेट, या एक नया कंडीशन है, ये सेम नहीं है कि चलो पार्टिकल तो ही था, खाली जगह बदली इसने, तो क्यों इसको हम नया माने, बट इट इज अ न्यू स्टेट, इट इज अ डिस्टिंक्ट स्टेट। डिस्टिंक्ट मतलब ये अलग है पहले से, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंग्विशेबिलिटी। तो यहां पे हमारा जो ये ओमेगा एन वी ई है, देन इट इज इक्वल टू द, तब ये जो ओमेगा नंबर होगा, अब ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये किसके बराबर होगा, लेट अस सी दिस। तो इससे पहले वाला जो इक्वेशन है पार्टिकल इन अ बॉक्स का हमने देखा, देन द नंबर ओमेगा इज इक्वल टू ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस रूट अंडर ई, या रूट अंडर ई स्टार, जो अभी हम लोगों ने ऊपर इक्वेशन में देखा ई स्टार, वो एनर्जी जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। रूट अंडर ई क्या होता है, मोमेंटम होता है, पी इज रूट अंडर 2ME, 2m से भाग लगा दिया, मींस m अगर कांस्टेंट है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, तो रूट अंडर ई माने ये जो है ये सारे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सर्फेस ऑफ ए स्फीयर whose momentum is fixed, whose energy is fixed.
तो ये जो नंबर है ये ई के ई स्टार जो है तुम्हारा, जो अभी हम लोगों ने ई स्टार देखा उसके साथ ये वैरी करेगा और बहुत इररेगुलर वेरिएशन होगा, बहुत ज्यादा जिसको हम लोग कहें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग अगर थोड़ा ये फ्लक्चुएशन कम करने के लिए हम लोग ये करें कि हम लोग सारे पार्टिकल्स को ना ले, हम लोग कुछ उन पार्टिकल्स को ले, द नंबर ऑफ या जो जो पार्टिकल्स है या जो स्टेट्स है दैट आर लाइंग ऑन और विद इन ए स्फीयर ऑफ थ्री एन डायमेंशन जिसकी रेडियस रूट अंडर ई स्टार है, अगर हम सिर्फ उसको ले तो ये फ्लक्चुएशंस कम होंगे, ये जो इररेगुलरिटीज है ये कम होंगे, ठीक है। समझो यहां पर क्या कह रहे हैं, दिस नंबर, ये जो ओमेगा है, दिस नंबर से मेरा मतलब ओमेगा को है, इज हाईली इररेगुलर और इसी को हम लोग हाइपर स्फीयर कहते हैं। ये जो रूट अंडर ई का जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं स्फीयर, ये हाइपर स्फीयर कई बार कई सारे टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है। इफ वी हैव या इफ वी कंसिडर ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑन ए स्फीयर ऑफ थ्री एन डायमेंशन, यहां पे हम लोग जो है हाइपर स्फीयर का मतलब है थ्री एन से ज्यादा, मैंने थ्री डायमेंशन और एन पार्टिकल से ज्यादा हायर डायमेंशन के स्फीयर की बात हो रही है। लेकिन अगर हम यहां पर जो है थ्री एन डायमेंशन के स्फीयर की बात करें विद रेडियस, इसी रेडियस का रूट अंडर ई का, तो हमारे पास जो फ्लक्चुएशन होंगे या जो इररेगुलरिटीज होंगे वो कम होंगे, ठीक है। तो हमारे तो अब हमको करना क्या है कि हमको एक नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने हैं दैट कोरिस्पोंड टू ए मैक्रो स्टेट जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है वी है, लेकिन एनर्जी जो है वो जो कैपिटल ई एनर्जी है उससे थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम लोग एक छोटा स्फीयर ले रहे हैं, हाइपर स्फीयर नहीं ले रहे। यही चीज जो है दूसरे जो तुम लोगों को जो पढ़ाया जाता गया है इससे पहले जो टेक्स्ट बुक में उसको उसमें बताया गया है, बट इन वेरी कॉम्प्लेक्स वे, क्लियरली मैं बता रहा हूं, वो बहुत ज्यादा उसमें मैथमेटिकल चीजें बताई गई, कंफ्यूज हो जाते हो। सो वी आर नाउ, हम लोग ओमेगा को अब नहीं कंसीडर कर रहे, ओमेगा जो है इट इज डिस्क्राइबिंग ए हाइपर स्फीयर, बहुत बड़ा सा स्फीयर, हम लोग एक पोर्शन लेकर के चल रहे हैं, हाइपर स्फीयर माने बहुत ज्यादा डायमेंशन का स्फीयर है, हम लोग यहाँ पे थ्री एन डायमेंशन को कंसीडर कर रहे, थ्री डायमेंशन एन फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल। नाउ कंसिडरिंग द नंबर, अब हम लोग ओमेगा को ना कंसिडर करके हम लोग इस नंबर सिग्मा एन वी ई को कंसिडर कर रहे दैट कोरेस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन वेयर द मैक्रो स्टेट इज हैविंग एन पार्टिकल्स वी वॉल्यूम एंड एनर्जी लेस देन ई, ठीक है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबली है ये, हमारा जो एनर्जी हम कंसिडर कर रहे हैं ये हम एग्जैक्ट जितनी एनर्जी है उतनी ना कंसिडर करके जो फिक्स्ड एनर्जी है उससे थोड़ा सा कम कंसिडर कर रहे हैं, ये जो डिफरेंस है एग्जैक्ट और थोड़े से कम में, दिस डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा ये जो नंबर है, अब हमारा नंबर ओमेगा ना हो करके हमारा जो नंबर है दिस इज समथिंग लाइक दिस, क्या बता रहा है ये एक्सप्रेशन, सिग्मा जो है इट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स दैट प्रोड्यूस द सेम द मैक्रोस्टेट विथ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी वॉल्यूम, लेकिन एनर्जी जो है इट इज नॉट ई, इट इज स्लाइटली लेस देन ई,
ये e से थोड़ा सा कम है, ठीक है, टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन या टू रिड्यूस द इरेगुलरिटी। तो यहां पे जो हमारा ये सिग्मा एन है, दिस इज रिलेटेड टू ओमेगा एन बाय दिस इक्वेशन। सिग्मा एन जो है ई स्टार, ये नंबर और राइट हैंड साइड वाला नंबर सेम है, सेम नंबर है, लेकिन एनर्जीज जो है थोड़े से डिफरेंट है, बट दे आर सेम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। और ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है, वी विल सी कि ये डिफरेंस इफेक्ट नहीं करता। कैसे नहीं करता, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यही जो दिस इज द फॉर्मलिज्म जो हम लोग यहां पे डिस्क्राइब कर रहे हैं फॉर स्टडिंग द थर्मोडायनामिक्स। तो यहां पर जो है ये जो नंबर है सिग्मा और ओमेगा, एक अगर हम सिंगल पार्टिकल की बात करें, ध्यान से समझो, सिंगल पार्टिकल की बात करें जो कि एक वॉल्यूम वी में है, तो ये सिग्मा वन ई स्टार और सिग्मा एप्साइलन वन एप्साइलन स्टार, पहले हम लिखेंगे, पहले समझ लो कैसे वैरी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है काफी सारे ये मैथमेटिकल डेरिवेशन से हम लोग उतना कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं जाएंगे। बेसिकली ये जो नंबर सिग्मा वन है, इट बिहेव्स इन एन एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। एसिम्प्टोट क्या होता है, जो इन्फिनिटी पे किसी एक्सिस को टच करता है। और ए सिंगल पार्टिकल इन वॉल्यूम वी, द नंबर, ये सिग्मा वन ई स्टार जो है, क्योंकि यहां पे एक पार्टिकल का ले रहे हैं, हमने एप्साइलन जो नोटेशन है उसका स्नैप दिया है तुमको, शोज एन एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। ये जो है एसिम्प्टोटिक बिहेवियर शो करता है, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर मतलब समझते हो, टेन थीटा जैसे होता है, एसिम्प्टोटिक जो इसका वेरिएशन होता है, छूता वो टच करेगा कहीं इन्फिनिटी पे जाकर। तो ये नंबर जो है ये बढ़ता ही जाता है, कहने का सेंस ये, इट मूव्स टू इन्फिनिटी। ध्यान देना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है। तो ये जो एसिम्प्टोटिकली बिहेवियर है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हमको कैलकुलेशंस देखने, ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर का मतलब ये है, मैथमेटिकली ये जो है थ्री डायमेंशनल स्फेयर का एक ऑक्टेंट को अगर लिया जाए, थ्री एन डायमेंशन में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और एन ऑक्टेंट, ऑक्टेंट माने स्फीयर में हम लोग लेते हैं 1a ऑक्टेंट ऑफ ए थ्री डायमेंशनल स्फीयर, वी हैव, ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर कुछ इस प्रकार का होता है। ये मैथ, ये डेरिवेशन है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। एप्साइलन जो है टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी की ओर जाना चाहता है, माने सिंगल पार्टिकल एनर्जी जो है कुछ भी लेना चाहेगा। तो यहाँ पर जो है ये अप्रोक्सीमेशन यूज किए जाते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन में ये जो क्वांटिटी है, ये जो लिमिट है, दिस लिमिट्स बिकम समथिंग लाइक दिस, डेरिवेशन की जरूरत है। अब यहाँ पे बेसिक हमको क्या करना है, ये तब तो मैथमेटिकल टूल्स। तो यहाँ पे जो करेक्शन टर्म है वो ये है कि जो ऑक्टेंट 1/8 हम ले रहे हैं, दिस 1/8 वॉल्यूम ऑफ द ऑक्टेंट, वो जो स्फीयर है उसका जो 1/8 पार्ट हम लोग ले रहे हैं, ये डेरिवेशन किया गया है। इस डेरिवेशन में उस ऑक्टेंट में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इट इज हाई, वो उसको ओवर एस्टिमेट किया गया। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनका कोऑर्डिनेट जीरो है, ठीक है, ये ओवर एस्टिमेशन इज गोइंग टू इफेक्ट द रिजल्ट्स, ये हम लोग बाद में देखेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस भी उसमें होते हैं, अभी उसकी तुमको जरूरत नहीं। अब ये जीरो का क्या मतलब है, हम लोगों ने अभी देखा एनएक्स एनवाई एनजेड थ्री डायमेंशनल बॉक्स जो है उसके क्वांटम नंबर्स, उसमें जीरो वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो
इन दिस केस एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जो होता है इसका कारण ये है, द एसिम्प्टोटिक बिहेवियर इज ड्यू टू द ओवर एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो है हम लोग यहाँ पे कुछ ओवर एस्टिमेशन हुआ, इसमें nx स्क्वायर ny स्क्वायर का जो तुमने एक्सप्रेशन देखा पार्टिकल इन ए बॉक्स में, इसमें nx ny जीरो हो, n इंटीगर हो तब भी एक सोल्यूशन होगा, एंड दैट हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये जो है एसिम्प्टोटिकली मतलब है ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स है सिग्मा दैट आर प्रोड्यूसिंग ए मैक्रो स्टेट विथ एनर्जी ई स्टार, ये ऑक्टेंट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर का मतलब है ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है ये धीरे धीरे बढ़ रहे, बढ़ते बढ़ते जो पहले 1/8 पार्ट ऑक्टेंट था नाउ इट इज कवरिंग द एंटायर स्फीयर। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर मीन्स, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर मीन्स दैट द नंबर ऑफ पॉइंट्स जो सिग्मा वन है, जो सिग्मा ई स्टार है इज इंक्रीजिंग एंड इट इज कवरिंग द एंटायर स्फीयर, जो पहले 1/8 था ऑक्टेंट था अब ये पूरे स्फीयर को कवर कर ले रहा। एंड इन दिस सिचुएशन जो तुम्हारा नंबर होता है, ये डेरिवेशन तुमको करने की जरूरत नहीं, ये टेकन फॉर ग्रांटेड तुम ले लो, दिस इज द नंबर। तो यहाँ पे ई स्टार की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट, मैंने ई स्टार की जो वैल्यू हम लोगों ने ऊपर देखा इसको अगर हम रखें तो ये जो नंबर है कुछ इस प्रकार का आएगा, मैंने दिस इज द नंबर, इसको हम दूसरे पेज पे भी ले जाते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी, हम लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो है क्योंकि ये लंबा सा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाया जाता है, लॉगरिथम लिया जाता है, लॉगरिथम स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाने के बाद ये जो हमारा एक्सप्रेशन है द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के एस बराबर के एल एन ओमेगा, ओमेगा की जगह सिग्मा, ध्यान देना यहाँ पर भी ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं। तो हमारा जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है वो कुछ इस प्रकार का आता, हम लोग के एल एन ओमेगा से इवेल्युएट कर रहे थे, अब हमने ओमेगा ना लेकर के एक दूसरा नंबर लिया है सिग्मा, जो कि सेम कंडीशन बताता बट विथ ए डिफरेंट एनर्जी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। दिस इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर एनर्जी ई। ठीक है, अब हमारा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मिलता कैसे है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी एस बराबर के एल एन ओमेगा से मिलता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से मिलता है इन स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के लिए हमको क्या करना होगा कि इसमें कुछ लिमिट्स लगाने होंगे, मैंने एनर्जी को फिक्स करना होगा। अब ओमेगा जो है वो बहुत इररेगुलरली वैरी कर रहा है, तो हम कोई प्रिसाइस वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं बता सकते। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आइसोलेटेड सिस्टम या माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल जो है वो आइडियल सिस्टम होता है, हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो आइडियल नहीं होते हैं, फिक्स एनर्जी एकदम नहीं होती है। सो एनर्जी हैज ए स्मॉल वेरिएशन ई प्लस माइनस हाफ डेल्टा, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये भी देखा है कि ये वेरिएशन जो है फ्लक्चुएशन ये काफी कम होता है, ये हम लोगों ने क्लास में देखा है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/√n। तो इस सिचुएशन में हमारा माइक्रोस्टेट क्या हो, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन द एनर्जी इज नॉट फिक्स्ड एंड देयर आर सम वेरिएशन दो वेरी स्मॉल, बहुत कम वेरिएशन ही होते हैं लेकिन वेरिएशन होते हैं, ई प्लस माइनस हाफ डेल्टा जो है वेरिएशन होगा, हमारा एनर्जी जो है दो लिमिट्स के बीच में होता है। द कंडीशन इज दैट द एनर्जी लाइज इन
प्लस माइनस हाफ डेल्टा, ऑल्दो द फ्लक्चुएशन इज नेग्लिजेबल, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, फ्लक्चुएशन इज नेग्लिजेबल। नेग्लिजेबल का मतलब है हमारा जो डेल अपॉन ई का जो फ्रैक्शन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर 10^23 है तो हमारा फ्लक्चुएशन बहुत कम होगा। तो इन दिस सिचुएशन जो हमारा अब ये एनर्जी अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ये एनर्जी पर डिपेंड करता है, मतलब एनर्जी में अगर कोई वेरिएशन है इज इट अफेक्टिंग द वॉल्यूम या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विद द वेरिएशन इन एनर्जी इज, तो हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो ये हो जाते हैं, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसी में से इसको जो है डिराइव किया गया है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, एनर्जी के साथ क्योंकि वेरिएशन है इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एनर्जी के साथ ऊपर वाले एक्सप्रेशन को तुम अगर डिफरेंशिएट करो तो तुमको ये मिल सकता है। ठीक है, अब हमारा जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है किस पे डिपेंड करता है, एस बराबर के एल एन ओमेगा, ओमेगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे हम लोग टाउ ले रहे हैं, टाउ ले रहे हैं कब, व्हेन वी हैव ए वेरिएशन इन एनर्जी। ध्यान देना ओमेगा जो है वो आइडियल सिस्टम था, टाउ जो है विथ फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, यहाँ पर एन वी और डेल्टा पर भी डिपेंडेंस है इसलिए टाउ, अलग अलग नोटेशन यूज किए गए। तो अगर हम इसका लोगरिथम लेते हैं तो लोगरिथम कुछ इस प्रकार का आता है। अब यहां पे अगर n कैपिटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है तो जो कर्ली ब्रैकेट वाला तुम्हारा टर्म है दैट विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है, ln n by n इज अप्रोक्सीमेटली जीरो इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, तो कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए ये जो हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होता है, दिस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर प्रैक्टिकल सिचुएशन जहां पर एनर्जी फ्लक्चुएट कर रहा है, फॉर प्रैक्टिकल सिचुएशन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज दिस क्वांटिटी एन एल एन वी बाई एच क्यूब। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आ रहा है, अभी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, अभी सिंपल रखते हैं चीजों को। सो दिस इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी तुमको यहाँ पे जो लास्ट इक्वेशन लिखा गया, हम इसको फिर से यहाँ पे स्नैप दे रहे हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा। तो अगर तुमको ये पूछा जाए शो दैट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी फ्लक्चुएशन, तुम ये डेरिवेशन ये जो है दिखा सकते हो, यू कैन शो दिस डेरिवेशन। सो द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा और द फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, एनर्जी में जो फ्लक्चुएशन है या एनर्जी में जो चेंज है, जो वेरिएशन है उससे इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा। यही तुमको और एक तरीके से बताया जाता है जो तुम्हारा सिस्टम बना हुआ है। तो एनर्जी जो है ई प्लस माइनस हाफ से लेकर हाफ डेल्टा से लेकर के प्लस हाफ डेल्टा कहीं भी हो सकता है। अगर डेल्टा का कोई सेंस नहीं है, अगर डेल्टा इज नॉट अफेक्टिंग, वी कैन से दैट एनर्जी इज लाइंग बिटवीन जीरो टू ई, कंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि एल एन टाउ जो है इट डिपेंड्स ऑन वी एन ई। अगर एनर्जी चेंज होता है देयर विल बी ए लार्ज चेंज इन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन अगर हमारे पास जीरो से लेकर ई तक एनर्जी की सभी वैल्यूज है, जीरो से लेकर के फिक्स्ड एनर्जी ई तक के सभी वैल्यूज हैं,
इन दिस केस ओनली द एनर्जी वैल्यूज दैट आर वेरी क्लोज टू कैपिटल ई कैन चेंज और इफेक्ट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. द इक्वेशन शोज दैट द चेंज इन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इफेक्टेड ओनली बाय द वैल्यूज ऑफ एनर्जी दैट आर वेरी क्लोज टू ई. ई के बहुत क्लोज जो वैल्यूज होंगे वही इफेक्ट करेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को. ठीक है. और ये जो विड्थ है, जो वेरिएशन है, दिस इज नॉट कंसिडरिंग, दिस इज नॉट इफेक्टिंग. तो थर्मोडायनामिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस बराबर के एल एन ओमेगा या एस बराबर ओमेगा यहां पे नहीं लेंगे. प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम लोग एस बराबर के एल एन टाउ लेंगे. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. लेफ्ट हैंड साइड में थर्मोडायनामिक एंट्रोपी है, राइट हैंड साइड में टाउ है जो कि स्टेटिस्टिकल क्वांटिटी है. स्टेटिस्टिकल क्वांटिटी लेंगे तो एल एन में जो है ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा जो ओमेगा हम लोग टाउ जो लिखा है. तो यहां पे इसको अगर हम इन्वर्ट कर दे, पलट दे, तो एनर्जी जो है एज ए फंक्शन ऑफ एंट्रोपी वॉल्यूम एंड नंबर दिस एनर्जी बिकम्स दिस क्वांटिटी. एल एन हटाओगे तो एक्सपोनेंशियल आएगा. यही काम यहां पे किया गया. ठीक है. तो ई बराबर जो है हम लोगों के पास एक इक्वेशन होता है, ई बराबर एन थ्री बाई टू के टी या एन आर टी थ्री बाई टू एन आर टी. ये हम एक्सप्रेशन इसमें से निकाल सकते हैं, ये हम एक्सप्रेशन इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं. हम लोग सीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज भी हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहां पर अगर तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए डिस्क्राइब एंट्रोपी ऑफ ए गैस आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल, तो तुम यहां पे ये दिखा सकते. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. तो अगर हम एनर्जी और टेम्परेचर की बात करें, वी कैन अबटेन दिस क्वांटिटी हियर. ये हम लोग निकाल सकते हैं, ये डेरिवेशन तुम कर सकते हो. नहीं होगा तब हम बताएंगे. डेल ई बाई डेल टी करोगे तो सी भी निकलेगा एट कॉन्स्टेंट एन एन भी थ्री बाई टू एन आर. ये भी निकाल सकते हो. प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस डेल ई अपॉन डेल वी टू बाई थ्री आएगा. सीपी भी निकाल सकते हो. ठीक है. तो यहां पर हम लोग ये देखें कि जो थर्मोडायनामिक्स है या जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, हाउ इट कैन बी अबटेन्ड, हाउ इट्स थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ द माइक्रोस्टेट्स, ओमेगा कहो, टाउ कहो, सिग्मा कहो. लेकिन यहां पर एक जो प्रॉब्लम है या एक जो चीज ये है, ये जो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर माने ये जो नंबर्स हैं, अभी तुमको हमने बताया ये नंबर्स इंक्रीज करते रहते हैं, एनर्जी टेंडिंग टू इंफिनिटी. How to deal with this? और इसी से जो है शुरू होता है, और इसी फॉर्मलिज्म से शुरू होता है द कंसेप्ट ऑफ गिब्स पैराडॉक्स. गिब्स पैराडॉक्स एंड द फेमस सकूर टेट्रोड इक्वेशन. हम लोग अभी देखेंगे सकूर टेट्रोड इक्वेशन क्या होता है इसके नेक्स्ट लेक्चर में.